जय जिनेंद्र दोस्तों और दोस्तों, क्या हाल चाल हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल भी रख रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कह रहा हूं सुजुकी के जो एक ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी वाली बाइक है वीस्टोन SX250, उसका एक डिटेल वॉक अराउंड एंड डिटेल रिव्यू। जानते हैं इस वीडियो में क्या कुछ फीचर हैं, सुजुकी क्या कुछ ऑफर कर रही है एंड इसका जो भी एक शोरूम प्राइस है वो आपका क्या चल रहा है। अभी हम आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू उमंग सुजुकी रिठाला फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस व्हीकल। अगर आप सुजुकी का कोई भी व्हीकल लेना चाहते हैं तो आप उमंग सुजुकी रिठाला पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सभी डिस्क्रिप्शन जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। एंड अगर आप मेरा कूपन को तुशीर जन यहाँ पे यूज़ करके आते हैं तो सुजुकी वाले आपको यहाँ पे बेस्ट फीचर डिस्काउंट भी ऑफर करके दे देंगे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले अगर हम दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम की बात करना चाहें तो वो आपको 211,600 रुपीज़ का आपको दिल्ली में इसका एक्स शोरूम देखने को मिलेगा। बाकी ऑन रोड प्राइस के लिए मुझे आप कहेंगे तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा उसके। एंड अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते, डायरेक्टली शोरूम से बात करना चाहते हैं तो डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका डिटेल में नंबर भी रहने वाला है। चीज की अगर बात करना चाहें तो इसमें आपको नॉर्मली हमारे जैसे जिक्सर में की आती है वही आपको उसमें सेम सुजुकी की देखने को मिलेगी। दोनों तरफ सुजुकी की इसमें ब्रांडिंग आ जाएगी। एक अगर बाइक का हम ओवरव्यू देख के चले, काफ़ी ज़्यादा ये ह्यूज एंड बल्की बाइक आपको देखने को मिलेगी सुजुकी बाकी सब बाइक से कंपैरिजन में, क्योंकि ये प्योरली आपकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी वाली बाइक है। ठीक है, अगर हम फ्रंट से बात करना चाहें तो उसमें आपको एक लंबी सी विंडशील्ड दे रखी है, आगे विंड वाइजर दे रखा है, जिससे अगर आप इसको हाईवे पर कहीं भी ऐसे ड्राइव करते हो तो विंड कटिंग में आपकी हेल्प करे ताकि इसके जो एरोडायनामिक्स हैं आपके मेंटेन रहे। साथ में आपको नंबर प्लेट का आपको फ्रंट में स्टैंड मिल जाएगा, हैलोजन में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। अगर हम इसके हेडलैम्प की बात करना चाहें तो आपको जिक्सर टाइप के ही इसमें हेडलैम्प देखने को मिलेंगे आपको ऑल LED वाले। यहाँ पे आपको दोनों साइड पर वीस्टोन की जो बैजिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये पूरा आपका प्लास्टिक में पार्ट आएगा। फ्रंट मडगार्ड की बात करके चले तो आपको इसमें प्लास्टिक में ही देखने को मिलेगा, तो काफ़ी रगेड एंड स्टडी क्वालिटी का है। यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा जिनकी थोड़ी स्टिप साइड पे क्वालिटी रहने वाली है आपकी। एंड इसकी अगर हम फ्रंट पे टायर सेक्शन की बात करना चाहें तो आपको उसमें डिस्क ब्रेक के साथ 100x90 सेक्शन का फ्रंट में टायर देखने को मिलेगा। रियर में आपको 140x70 सेक्शन का आपको टायर देखने को मिलेगा विद डिस्क ब्रेक। इसमें आपको डुअल चैनल जो हमारी ABS है उसका फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके जो इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करना चाहें तो सुजुकी ने आपको उसमें 4 valve 4 stroke सिंगल सिलेंडर 249cc का एयर ऑयल कूल्ड इंजन दिया है, जिसमें आपको 26.5 PSP पावर एंड 22.2 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। इतनी प्रीमियम बाइक में वैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको लिक्विड कूल मिले, बट सुजुकी जो है अपने ऑयल कूलिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है मार्केट में, क्योंकि आपको उसके ऑयल कूलर से कोई भी शिकायत कभी आज तक नहीं होती। बाइक कभी आपकी ओवरहीट नहीं होगी जितनी मर्जी आप लॉन्ग इसको ड्राइव करना चाहें तो। देख सकते हैं आप हॉर्न के पीछे इसका जो एयर कूलर है वो यहाँ पे दे रखा है, जिसके पीछे इसका फैन भी लगा हुआ होता है ऑयल को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर इसका। ऑयल की अगर हम कैपेसिटी की बात करना चाहें तो 1200 ml इसमें आपका ऑयल लगता है लगभग 1.2 liters के अराउंड इसमें। साथ में आपको जो उसमें फ्रंट का वो कैटालिटिक कन्वर्टर वो आ जाएगा, इसमें नीचे की बैश प्लेट देखने को मिल जाएगी यहाँ पे सुजुकी यहाँ पे ऑयल कूलिंग की ब्रांडिंग। ठीक है, सीट की बात करें तो उसमें आपको स्प्लिट टाइप की सीट सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है आपके राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी। पीछे आपका इसमें लगेज के लिए स्टैंड दे रखा है, अगर आप इसको टूरिंग के पर्पज से लेके जा रहे हैं तो लगेज भी आराम से पीछे इसमें आप कैरी कर सकते हैं अपना। रियर से बात करें तो रियर में आपको LED वाली टेल लैंप जरूर मिलेगी, बट दोनों साइड पर आपको हैलोजन वाले टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके नंबर प्लेट में स्पेस आ जाएगा, पीछे आपका ये जो मड गार्ड है उसका स्पेस यहाँ पे आ ही जाएगा। साइलेंसर की बात करें तो उसमें आपको डुअल फिनिश का साइलेंसर देखने को मिलेगा, एक साइड आपका ग्लॉस में, दूसरी साइड आपका मैट में, डुअल पोर्ट इसमें आपको एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिलेगा। ठीक है, फुट पैक भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टडी क्वालिटी की आपको देखने को मिलेंगी मेटालिक फिनिश के अंदर। अगर इसके हम एक बार कॉकपिट व्यू की बात करना चाहें तो सुजुकी का इसमें नॉर्मल जो हमारा फुल्ली डिजिटल वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको देखने को मिलेगा इसके लिए। इसमें आपके राइट कनेक्ट टेक्नोलॉजी भी है, आपने फ़ोन को उससे कनेक्ट करके जिसमें टर्न बटन नेविगेशन का फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी राइट साइड पर देखा जाए तो इसमें आपको उसमें इंजन गियर स्विच है वो यहाँ पे आ जाएगा, सुजुकी का सिंगल स्टार्टर जो सेल्फ का बटन है वो है। यहाँ पे आपके नकल गार्ड्स भी आ जाएंगे जिससे आपके जो हैंड्स हैं यहाँ से प्रोटेक्टेड रहेंगे अगर आप इस तरह चलाते हैं। ये काफ़ी अच्छा सुजुकी ने फीचर दिया है ऑफ रोड के हिसाब से इसमें।
सिमिलर सेटअप आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा इसके लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे आपको मैसिव 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा यहाँ पे, जिसमें आप अराउंड 40-45 प्लस की एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑफ रोड करते टाइम भी। यहाँ पे क्लच भी काफ़ी इसका लाइट है, स्लीपर क्लच भी आपकी बाइक आती है। इसमें आपको हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पर हॉर्न, पास स्विच, ये सब देखने को मिलेगा यहाँ पे। जी स्लॉट आपको नॉर्मली इसके अंदर फ्यूल टैंक आपको यहीं से खोलना पड़ेगा। एंड ये इंजन आपका E20 कंप्लाइंट भी आता है। साथ में अगर हम नीचे और देखें इसके, तो इसमें आपको 6 स्पीड का इसमें आपको गियर सेटअप देखने को मिलेगा विथ स्लीपर क्लच। एंड इसमें आपको उसमें डबल स्टैंड देखने को नहीं मिलेगा, बाइक की वेट को ध्यान में रखते हुए सिर्फ साइड स्टैंड ही मिलेगा। साइड स्टैंड भी काफ़ी ज़्यादा इसका स्टर्डी क्वालिटी का है। एंड साइड स्टैंड में इसमें आपको इंजन किल स्विच भी दे रखा है, जिससे कि अगर आपका साइड स्टैंड अगर नीचे हो रखा है तो या तो आपकी बाइक चालू ही नहीं होगी, है भी तो बाइक ऑटोमेटिकली गियर डालते ही बंद भी हो जाएगी आपकी। और एक और अगर एडिशनल फीचर देखा जाए सुजुकी ने यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए USB सॉकेट भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो सस्पेंशन की अब मैं आपको बताई थी, फ्रंट में टेलीस्कोपिक है, रियर में आपको इसमें मोनोक्रॉस सिंगल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो कि ऑफ रोड के लिए बहुत ही बेहतरीन सस्पेंशन कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे आपको ग्लॉस में कलर देखने को मिलेगा, थोड़ी इंच मैट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइज यही था सुजुकी V-Storm SX250 के बारे में डिटेल वॉक अराउंड है। एंड इस शोरूम इस बाइक का आपको परचेज़ करना है तो ज़रूर आप उमंग सुजुकी रिठाला पे इसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम की सभी डिस्क्रिप्शन और डिटेल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहने वाली है। आप मेरा कोड तुशीर जैन यूज़ करके आइए, शोरूम वाले आपको 10% डिस्काउंट भी ऑफर करवा देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो गाइस जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन बताइएगा। एंड इसी प्रकार की ऑटोमोटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल तुशीर जैन के साथ। जय जिनेंद्र।